उमर अकमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो नौजवान जो फास्ट क्रिकेट खेले जाने की वजह से मशहूर थे। इन्होंने बहुत सी अच्छी इनिंग्स बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ खेली, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। उमर अकमल ने बहुत से बड़े बॉलर्स की पिचेस पर पिटाई की, जिसमें मिचेल जॉनसन, जिमी एंडरसन, शेन बॉर्न, डैनियल विटोरी, लासिथ मलिंगा जैसे बॉलर थे। अपने स्टार्ट के करियर में अकमल को बहुत से सीनियर प्लेयर्स की सपोर्ट हासिल रही, जैसे कि शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कामरान अकमल। ईयर 2013 में फर्स्ट टाइम टीम से ड्रॉप किए गए अपनी परफॉर्मेंस और बिहेवियर की वजह से 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी नहीं रहे। उमर अकमल ने अपना डेब्यू 2009 में किया और 2019 तक टीम का हिस्सा रहे। इसके बाद अगस्त 2021 तक स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश को बोर्ड को ना बताने की सूरत में 18 महीने के लिए बैन लगा दिए गए। ये वही उमर अकमल हैं अक्सर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। क्या अब उमर अकमल को पाकिस्तानी टीम में वापसी का मौका मिलना चाहिए? एक सीनियर प्लेयर की तरह इनका यूज़ हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में? कमेंट करके बताएं।